तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो निकला सभी भाइयों के फेवरेट टॉपिक पर, यानी कि आज का हमारा वीडियो निकला सिक्स पैक वर्कआउट के ऊपर, कि भाई बॉडी हो ना हो रहा हमारे सिक्स पैक अच्छे हो रहा। हमने कहीं पर भी टी शर्ट वगैरह उतार दी तो भाई कहेंगे, मतलब लोग कहेंगे भाई का सिक्स पैक है। भाई सिक्स पैक हमारी बॉडी में चार चांद लगता है, हमारी सिक्स पैक अच्छे हो रहा। हमने पोजिंग कर कहीं पर भी देती तो भाई एकदम बॉडी अच्छी लगती है, एकदम चार चांद लगते हैं। तो सिक्स पैक के ही लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिससे कि हमारे सिक्स पैक ऐप एकदम क्लियर हो जाएंगे और भाई कटिंग हो जाएंगे और शेप हो जाएंगे। तो मेरा नाम है रवि, तो आइए ना टाइम वेस्ट के तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज लगाएंगे हम, तो वर्कआउट से पहले आपको वॉर्म अप करना होगा। मैं वॉर्म अप कर चुका हूँ जिससे कि हम इंजरीज के चांसेस बच जाएंगे और हम वर्कआउट भी एक आसानी से कर पाएंगे। तो आइए ना टाइम वेस्ट के तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले एक्सरसाइज लगाएंगे, तो हमें पुशअप की कंडीशन मारो, भाई शोल्डर के सामने दोनों हाथ रखने हैं और बॉडी को रखना सीधा और अपने पैरों को वाइट करना है और वाइट करना है और तीन बार आपको वाइट करना है और फिर से आपको क्लोज करना है और फिर से अपनी कमर को एकदम स्क्यूज करना है। इस कंडीशन में स्क्यूज करना है, एकदम पूरा लोड डालना है सिक्स पैक के। और हर बार हर एक्सरसाइज के आपको तीन से चार सेट लगाने हैं मैक्सिमम, और रैपिड जन आप जितना निकाल सकते हैं ज़्यादा से आप निकालें। तो ये वर्कआउट तो आपको इस कंडीशन में करना है और मैं आपको एक एक एक्सरसाइज लगा के बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। और अब हम लगाएंगे अगले एक्सरसाइज, जो कि हम खड़े खड़े इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं आसानी से। तो हमें दोनों हाथ रखने अपने सिर के पास, इस कंडीशन में दोनों हाथों को सिर के पास रखना है और स्क्यूज करना है। ये इस कंडीशन में घुटने पे अपने हाथों को बैठा करना है इस कंडीशन में, तो एकदम स्क्यूज करना है और साइड में पूरा लोड डालना है एकदम सिक्स पैक पे, क्योंकि हम जो वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पर सिक्स पैक का ही वर्कआउट कर रहे हैं तो सिक्स पैक पे लोड ना आएगा। तो हम जो वर्कआउट कर रहे हैं वो सारा टाइम वेस्ट है, तो हमारी मसल पे लोड आना चाहिए, सिक्स पैक पे लोड आना चाहिए इस कंडीशन में। तो ये हमारी साइड के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। इस कंडीशन में आप इसे खड़े खड़े फॉलो कर सकते हैं कहीं पर भी, पार्क वगैरह में या फिर छत पर कहीं पर भी इस वर्कआउट को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये वर्कआउट आपको इस कंडीशन में लगाना है। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है। तो फिर से हमें पुशअप्स की कंडीशन में आना है, पुशअप्स की कंडीशन में आना है और शोल्डर के सामने दोनों हाथ रखने हैं और एकदम हमें साइकिलिंग करनी है जितनी देर आप, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तेज कर सकते हैं और देर तक कर सकते हैं। तो इस वर्कआउट को इस कंडीशन में फॉलो करें और हर एक्सरसाइज के आपको तीन सेट निकालने हैं और मैक्सिमम रेपिटेशन आप जितने निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतने निकालें। तो आपको साइकिलिंग करनी है जितनी देर तक आप, मतलब 50 सेकंड या फिर एक मिनट तक आप फॉलो कर सकते हैं, तो आसानी से फॉलो करें। तो ये वर्कआउट आपको इस कंडीशन में करना है। तो हमारी सिक्स पैक के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें हमारी साइडों के लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि बहुत बार क्योंकि आगे मतलब सामने की एक्सरसाइज तो कर लेते हैं सिक्स पैक की और साइड की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें पैरों को थोड़ा वाइट करना है, इस कंडीशन में पैरों को थोड़ा वाइट करना है और ये साइड में स्क्यूज करना है, दोनों तरफ से साइड स्क्यूज करना और दोनों तरफ से आपको रेपिटेशन सेम निकालने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आपने ज़्यादा निकाली और एक तरफ से कम निकाली। तो इस कंडीशन में साइड में जाना और हर एक्सरसाइज के तीन सेट लगाने, तीन से चार सेट भी लगा सकते हैं आप मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप जितना निकाल सकते हैं इतना निकालें, क्योंकि जितना आप अपनी मसल को ज़्यादा ट्रेन करोगे इतनी हमारे एकदम कटिंग में होगी और शेप में होगी और हमारी मसल का साइज भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में तो हमारी साइड के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में। तो अगली एक्सरसाइज जो लगाएंगे हम इस कंडीशन में लगाएंगे, अपने हाथों को सामने रखना है और ये अपने घुटने से उस कंडीशन में सिक्स पैक पर पूरा लोड डालना है, सामने की तरफ हाथ को रखना और हर एक्सरसाइज के तीन सेट लगाने हैं मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप जितना निकाल सकते हैं इतना निकालें इस कंडीशन में। तो मसल पर पूरा लोड डाल के मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन एकदम पूरा बना के रखना आपको, क्योंकि जो भी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा माइंड और मसल एकदम दोनों को जोड़ दे रहा है, और जब भी हमें वर्कआउट करना है इस कंडीशन में, क्योंकि हम जो वर्कआउट कर रहे हैं तो भाई वर्कआउट का आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम मसल पे लोड डालना, पूरा स्क्यूज करना इस कंडीशन में। तो ये एक्सरसाइज आपको इस कंडीशन में लगानी है। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें इस कंडीशन में लगानी है। तो अगली एक्सरसाइज लगाएंगे फिर से हमें पुशअप्स की कंडीशन में आना, और भाई साइड के लिए हमारे साइड में फैट वगैरह भी है वो आसानी से कट हो जाएगा। तो पुशअप्स की कंडीशन में आना और फिर से हमें शोल्डर के सामने हाथ रखने, बॉडी को रखना सीधा और साइड में इस कंडीशन में स्क्यूज करना, पूरा स्क्यूज करना एकदम, और साइड में दोनों तरफ से आपको सेम रेपिटेशन कर लें जितना आप मैक्सिमम जैसे आप निकाल सकते हैं इतना निकालें, और पूरा स्क्यूज करके इस वर्कआउट को करना। तो और हर एक्सरसाइज के तीन सेट लगाने, तीन से चार सेट लगाने मैक्सिमम रेपिटेशन, जो भाई आप मतलब जितना ज़्यादा से निकालोगे इतना आपको ही बेनिफिट होगा। और भाई ये वर्कआउट को आपको फॉलो करना ही करना है भाई, डाइट पे अपनी ज़्यादा से आप ध्यान देने का, कोई वर्कआउट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए वर्कआउट कर रहे हैं या फिर अपनी फिट रहने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो अपनी डाइट पे ज़्यादा से ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा, कि भाई सिक्स पैक एक मतलब सिक्स पैक बनाने के लिए हमें डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी और फास्ट फूड वगैरह मतलब जितने भी आप बाहर के खाते हो तो भाई आपको वो छोड़ देने। और बहुत भाई करोगे कि फास्ट फूड घर ला के खा सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, वो फास्ट फूड तो फिर भी रहेंगे, घर आके भी फास्ट फूड ही रहेंगे। तो हेल्दी खाना लो और मतलब जो शुगर वगैरह आप ऐड करते हो डाइट में और मतलब ये ऑयली वगैरह, तो भाई इसको आप कट कर दो और आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे ना आपको, क्योंकि रही भाई ने क्या वर्कआउट बताया और क्या डाइट बताई थी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अगली वीडियो किस टॉपिक पर आनी है कमेंट के थ्रू ही बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम, थैंक यू।